हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, बैंड तो बज गई यार। ओके, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन की जो वीकली कैंडल क्लोज हो रही है मेरे भाई, ये वीकली कैंडल दिसंबर 2020 से, मतलब तब से लेके अब तक की हमारी लोएस्ट क्लोज है। इनफैक्ट अगर ये कैंडल भी तुम देखोगे ना, तो ये क्लोज हुई थी कुछ $19,070 पे, और यहाँ हम लोग उससे भी नीचे कैंडल क्लोज कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ओके, मतलब सिंपल सी बात है, ये कैंडल बहुत बहुत बुरी क्लोज है। लेकिन एक चीज जो स्टिल पॉजिटिव है और शायद स्टिल अच्छी हो सकती है, वो है बुलिश डाइवर्जेंस। हम लोगों ने डेली पे देखी, हम लोग वीकली पे भी वो बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं। अगर तुम देखोगे तो RSI हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, जबकि प्राइस जो है वो लोअर लोज बना रहा है। सो एक बुलिश डाइवर्जेंस अपने पास यहाँ पे भी है। ये कैंडल क्लोज होने में और आधा घंटा बाकी है, और हमें सिर्फ और सिर्फ $800-900 का पुश चाहिए। अगर वो आ जाता है तो भैया वी आर ऑल गुड, वी आर ऑल सेट। नहीं आता है तो चीजें थोड़ी बुरी है। ओके, और चीजें बुरी सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री में नहीं है, स्टॉक मार्केट में भी अगर देखोगे तुम, फ्यूचर स्टिल बुरे हैं। और अगर मैं चार्ट के ऊपर जाऊं तो मेरे भाई, मतलब अब क्या ही बोलूं। एक हमारा फॉलिंग वेज था, अगर तुम्हें याद होगा, सॉरी राइजिंग वेज, वो ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, प्राइस जो है वो वापस यहाँ है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है। ओके, और हम शायद वापस जा रहे हैं 3670 को टेस्ट करने। यहाँ यहाँ तो डबल बॉटम बनेगा, नहीं तो यहीं से अगर रिवर्स होता है तो ये थोड़ा और अच्छा है, क्योंकि हम लोग एक हायर लो बना लेंगे। ओके, और चीजें मतलब देखो टेक्निकली तो बुरी लग ही रही है, बट ये आने वाला हफ्ता और खतरनाक है। अब क्यों खतरनाक है? सबसे पहले एक तो मंथली क्लोज आ रहा है। ओके, सितंबर का महीना हमेशा बुरा रहा है और वैसा ही है, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट के लिए तो और बुरा यार। ओके, लेकिन यही अगर हम लोग बिटकॉइन के लिए भी देखें, यार यहाँ अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम लोगों ने ये मंथली कैंडल ऐसे ही क्लोज की तो मेरे भाई कोई ऑप्शन नहीं है, चुपचाप अपना प्रॉफिट जो भी हम लोगों ने 19,500 पे लिया था वो ट्रेड जो है क्लोज कर दो बिंदास, क्योंकि ये काफी बुरा है। ओके, फिर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा समझेंगे, नहीं तो हम लोग ट्रेड वापस लगाएंगे यहाँ 17,700 या 600-800 पे, जो भी है उसका प्रीवियस क्लोज। उसके पहले कुछ बाय करके पॉइंट नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड वालों के लिए है। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय किया है या वो DCA कर रहे हैं, मेरे भाई तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, DCA करते रहो, ये बेस्ट टाइम है DCA करने के लिए। अब ये कमिंग वीक जो है, ये तो एक वजह हुई क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज अगर तुम देखो भैया, ये हफ्ता जो है वो बहुत खतरनाक है। मंडे तक हम लोग शांत है, ट्यूजडे भी हम लोग शांत है, वेडनेसडे फेड चेयर जेरोम पॉल फिर आ रहे हैं, फिर कुछ बकबक करेंगे, और जब भी उन्होंने बकबक की है तब तब मार्केट का क्या हाल हुआ है हमने देखा है। थर्सडे को जॉबलेस क्लेम्स है, अगेन वो भी बहुत मेजर इवेंट। फ्राइडे को भैया फिर से सारे इंडेक्सेस आ रहे हैं, और इसी के बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि भैया इन्फ्लेशन का क्या हो रहा है, नेक्स्ट रेट हाइक का क्या होने वाला है। ओके, सॉरी। अब ये तो बात हुई कि भैया अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट क्यों है, मंथली क्लोज, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। उसके अलावा अगर तुम देखो तो मेरे भाई, ये हम लोगों ने देख लिया कि वीकली क्लोज जो है वो बुरा होने वाला है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें ये है बुलिश डाइवर्जेंस के साथ कि 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियंस जो है वो क्रिप्टो वर्ल्ड में घुसने वाले हैं अगले 12 महीने में। तो ये बहुत बहुत मैसिव न्यूज है और बहुत अच्छी न्यूज है। उसके अलावा हम लोगों ने कल ही देखा दुबई में क्या सीन चल रहा है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। ओके, तो ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो चाहे स्टॉक मार्केट रेड में है, चाहे क्रिप्टो मार्केट रेड में है, बट मेरे भाई फंडामेंटल्स बहुत बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकली अगर हम लोग कैंडल थोड़ा ऊपर क्लोज कर दे वीकली तो वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो यार मंथली तो हमें ऊपर क्लोज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर चीजें खराब होंगी। ओके, बट एक चीज जो हमें समझनी है वो यही है कि मेरे भाई, जिन जिन लोगों ने इस बुरे वक्त में मार्केट में एंट्री ली है या मार्केट में अपनी पोजीशन को डबल किया है, मेरे भाई उनकी लाइफ जो है हमेशा के लिए बदल गई है। कोविड क्रैश जिन लोगों ने यहाँ पकड़ा था, और मेरे भाई टिल डेट अगर वो देखेंगे तो स्टिल 74% के प्रॉफिट्स में है। टॉप पे सेल किया होता तो भैया पैसा डबल। ओके,
बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो अगेन कोविड क्रैश जिन लोगों ने पकड़ा था मेरे भाई, उन लोगों की तो सुपर डुपर चांदी है। सॉरी, मुझे फिब नहीं बनाना था, मुझे प्राइस एक्शन देखना था। राइट, तो जिन लोगों ने कोविड क्रैश पकड़ा था स्टिल 3 गुना उनका पैसा है यहाँ पे। टॉप तक अगर देखोगे तो भैया वो तो 10 गुना के पार कर दिया था उसने। तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे अपॉर्चुनिटीज डरने के लिए नहीं है, ऐसे अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए है। तो मेक श्योर डू इट, बट अगेन फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है मेरे भाई। ओके, ओवरऑल बुलिश डाइवर्जेंसेस है। ओवरऑल अपने को वीकली कैंडल हो सके तो अच्छी क्लोज करनी है, मंथली कैंडल तो शॉर्ट शॉर्ट अच्छी क्लोज करनी है। बाकी अगला हफ्ता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग आपको डेली अपडेट देते रहेंगे। तो मेरे भाई मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये अपडेट्स तुम्हें मिस नहीं करने। ओके, तो चलिए आधा घंटा और है, होपफुली जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसा क्लोज हो रहा है और मंडे मार्केट का क्या इरादा है वो हमें समझना है। ओके, बट सिचुएशन वही है यार, हम लोग या तो डबल बॉटम के क्लोज में है या फिर हम लोग एक बहुत ही गंदी कैंडल क्लोज करने वाले हैं जो बहुत बहुत बुरा है। ओके, होपफुली ये एक डबल बॉटम ही हो। होपफुली जैसा कि मैं हमेशा कहता है कि बिटकॉइन बॉटम मार चुका है, वैसा ही हो और हम लोग यहाँ से डबल बॉटम बना के वापस ऊपर की तरफ निकल जाए। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।